रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की जमीन पर हर दिन खून बह रहा है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जमीन लाल जो हो रही है वो है यूक्रेन का बखमुट, जिसे अब दोनों सेनाओं के लिए मर्डर प्लेस कहा जाने लगा है। आपको बता दें, बखमुट पर कब्जे की जंग में जहां रूसी आर्मी और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप क्रूरता की सारी हदें पार कर रखी हैं, तो वहीं यूक्रेन की आर्मी भी पलटवार में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। नौबत तो यहां तक आ गई कि बखमुट में कई जगहों पर सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई में बेरहमी से हत्याएं की जा रही हैं। यहां रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन के हाथ से बखमुट अब निकल जाएगा? क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बखमुट की लड़ाई हार चुके हैं? क्या पुतिन की क्रूरता रूस का एग्रेशन बखमुट में जीत की वजह बन रहा है? और क्या बखमुट के जरिए पुतिन अपने ऑपरेशन कीव को अंजाम तक पहुंचा चाहते हैं? ये अपने आप में कई अहम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है बताते हैं। दरअसल बखमुट में पिछले 24 घंटों से भीषण जंग जारी है। बखमुट में पश्चिमी हिस्से में जमकर हालात बिगड़ गए हैं और रूस यूक्रेन सैनिकों में आमने सामने की जंग है। कैसे हालात बिगड़े हैं तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लगातार एक के बाद एक हमलों की। इस दौरान यूक्रेन का दावा है कि रूस के 500 सैनिक मारे गए हैं। रूस का दावा है कि बखमुट के पूर्वी हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे के साथ ही ये कहा जा सकता है कि एक और जीत जो है वो रूस के नाम क्या लग गई है। दरअसल जिस तरह से बैटल फील्ड में के बाद एक जो किलर अपनी प्लानिंग के साथ में रूस आगे बढ़ रहा है, वैगनर ग्रुप के साथ में जो डेडली कॉम्बिनेशन रूस की सेना और वैगनर ग्रुप का है, तो क्या ये माना जाए कि अब इस पूरे ग्रुप ने अब बखमुट के कुछ इलाकों में अपना कब्जा कर लिया है? दरअसल बखमुट में पिछले 24 घंटों से भीषण जंग जारी है। दरअसल बैटलफील्ड पर आखिर किस तरह से हालात हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर कब्जा करने की बात कही गई वो कहां है आपको बताते हैं। बैटलफील्ड का किलिंग जोन रूस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका दरअसल यही था। आप देखिए, ये मैप है, ये रूस है और ये यूक्रेन का हिस्सा है। अब अगर आप देखेंगे बखमुट, जो ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये रूस की सेना से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। अगर रूस की सेना यहां पर कब्जा करती है, बखमुट पर कब्जा करती है, यानी कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें, शहर के पूर्वी हिस्सों पर अभी तक रूस कब्जा कर चुका है। जो मैप में आपको बता रही हूं, यूक्रेनी मिलिट्री लगातार अब उसका पलटवार जरूर कर रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि 500 से ज्यादा सैनिक रूस के मार गिराए, लेकिन स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। यूक्रेनी मिलिट्री पलटवार तो कर रही है, लेकिन ये जो इलाका है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण यहाँ पर बनता हुआ जरूर नजर आता है। आपको ये भी बता दें, पश्चिमी हिस्सों पर यूक्रेन की कब्जा कायम है, ये भी बात कही गई है। बखमुट पर पूरी तरह से कब्जे के करीब है प्रिगोजिन, ये बात भी इस दौरान कही गई है प्रिगोजिन की तरफ से। दरअसल ये प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं और ये पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं। कहा जा रहा है जिस तरह से जो युद्ध की स्थिति है उसे लीड करने वाले प्रिगोजिन ही हैं और जिस तरह से जो डेडली प्लानिंग की जा रही है वो वैगनर ग्रुप और प्रिगोजिन की ही तरफ से नजर आती है। तो 24 घंटे में लगातार अटैक की तस्वीर सामने आई। 24 घंटे दावा है, यूक्रेन का बड़ा दावा है। क्या है बड़ा दावा? दरअसल 16 बार रूस की तरफ से घातक स्ट्राइक किए गए, 23 जगह पर आमने सामने की जंग नजर आई, 220 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, 300 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हुए, ये यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है। ये तो जो चार प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल जिस तरह से ये पूरा अटैक की तस्वीर नजर आती है उसमें बार बार यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि भले ही रूस ने हमला किया हो, लेकिन हमले के बाद में किस तरह से जो तस्वीर नजर आई है उसमें यूक्रेन ने पलटवार किया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि पुतिन की फोर्स इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी ताकत के साथ में अकेले बखमुट को ही टारगेट क्यों कर रही है, अपने आप में से बड़ा सवाल हो जाता है। आपको बताते हैं, दरअसल पुतिन का ये प्लान क्या है समझिए। दरअसल लुहांस्क और डोनेट्स पर रूस का कब्जा है, ज़ेपोरेजिया में भी रूस जनमत संग्रह करवा चुका है और अब उसकी योजना बखमुट पर कब्जा करने की है। आप ये तस्वीर देखिए, ये पूरा आपको जो मैप नजर आ रहा है दरअसल ये यूक्रेन का मैप है। अब बखमुट पर कब्जा करने की तैयारी है जिससे उसके जो खार्किव तक अपनी पहुंच बनाने का रास्ता आसान हो सके। अगर बखमुट में अगर ये कब्जा हो जाता है तो यहां से खार्किव तक बहुत आसानी से रूस अपना रास्ता बना लेगा।
इससे ये स्पष्ट हो जाएगा यहां से पुतिन के ऑपरेशन कीव को रफ्तार मिलेगी, यानी कि ये बखमुट के इस इलाके में तो यहां पर पहुंच चुके हैं, और लुहांस्क या ज़ापोरिज़्या या दोनेत्स्क में भी किस तरह से संघर्ष की तस्वीर नजर आई वो भी हमने देख लिया। अगर ये हो जाता है तो खार्किव, और खार्किव के बाद में अगला प्लान है कि भयंकर युद्ध भी जारी है। अब इस पूरे युद्ध के लिए किस तरह से स्थिति वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अभी तक इस पूरे युद्ध में दरअसल बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं, 40,500 से ज्यादा आर्टिलरी अटैक अभी तक किए जा चुके हैं, 5,000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला दागा जा चुका है, 1,000 से ज्यादा सुसाइडल ड्रोन अटैक भी किए गए हैं। आप समझिए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा इमारतें ध्वस्त की गई हैं यूक्रेन में, 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, और इतना करने के बाद में भी अभी पुतिन शांत नहीं रहने वाले, बल्कि ये जो पूरा हमला है वो और भी ज्यादा घातक होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बैटल ग्राउंड से एक्सक्लूसिव खबर जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो तस्वीरें सामने आ रही है बैटल ग्राउंड से वो बेहद खास है, जो एक्शन में यूक्रेन भी नजर आ रहा है, MiG-8 हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। देखिए MiG-8 हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, ये यूक्रेन के MiG-8 हेलीकॉप्टर्स हैं। देखिए कितने नीचे की तरफ यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वॉर फ्रंट पर फुल एक्शन में किस तरह से यहां पर लोग हैं। वॉर फ्रंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर यूक्रेन के MiG-8 हेलीकॉप्टर्स रफ्तार भरते हुए नजर आए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की ड्रोन स्ट्राइक भी जारी है, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर वार किया गया है, यूक्रेन को ब्रिटेन से डिफेंस सिस्टम भी मिला था गाइडेड ड्रोन से लगाया सटीक निशाना, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर किस तरह से रूस की तरफ से अटैक किया गया है। दरअसल ये जो आपको अटैकिंग तस्वीर नजर आ रही है, देखिए जरा ये रूस की ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर है, लगातार ड्रोन से अटैक किस तरह से कर रहा है रूस, ये तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था और उसे भी तबाह कर दिया है रूस ने। देखिए कैसे ड्रोन से बाकायदा अटैक किया गया, आसमानी आफत ये तस्वीर जरूर कही जा सकती है यूक्रेन के लिए। बाकायदा टारगेट था ये ब्रिटिश हथियार, और बिल्कुल सटीक निशाना इस ड्रोन के हथियार के साथ में, ड्रोन हथियार से कैसे ये पूरा जो टैंक है वो तबाह हो गया। ये ब्रिटेन से मिला डिफेंस सिस्टम था जो कि देखिए कैसे तबाह हो जाता है, ये मिसाइल गाइडेड ड्रोन जिसने निशाना साधा और सीधे निशाने पर ब्रिटेन का हथियार। और इसी वक्त इसी बीच एक जो बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं। रूस यूक्रेन जंग के मैदान में महाजंग की तस्वीर नजर आती है, जहां पर पूरी तरह से रूस का आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। दिखाएंगे आपको यूक्रेनी यूएवी के अटैक से आर्म्ड व्हीकल तबाह हुआ। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पर, अब यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई भी देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन पर ही अटैक हो रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी अटैकिंग अड्डा साफ तौर से नजर आता है। जंग के दौरान यूक्रेन का जोरदार अटैक ये रहा कि अटैक के बाद आर्म्ड व्हीकल में आग लग गई, रूसी सैनिक को मारे जाने की भी इस दौरान आशंका है। देखिए ये आर्म्ड व्हीकल यहां से जा रहा था, इसी बीच यूक्रेन की तरफ से अटैक होता है, और उसके बाद में क्या होता है देखिए, अचानक से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है, और इस बीच माना जा रहा है कि जो रूस के जो आर्मी थे वो इसके बाद इस हमले के बाद से इससे भागते हुए नजर आए, लेकिन वो भी इस दौरान घायल हुए थे। इसी बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन महाजंग से एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, रूसी मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन ने निशाना बनाया, रूसी मिसाइल सिस्टम BUCK-3 तबाह हो चुका है। रूस की मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा है, सोशल मीडिया पर BUCK-3 की तबाही का वीडियो आपको दिखाते हैं, जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। ये जो आपको आतिशबाजी होती हुई नजर आ रही है दरअसल ये मिसाइल सिस्टम था। देखिए यूक्रेन ने हमला किया, रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, और ये BUCK-3 मिसाइल सिस्टम था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बीच में पोलैंड से भी बड़ी खबर है, पोलैंड ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है। जी हाँ, इस साल का जो रक्षा बजट है वो अभी तक का रिकॉर्ड बजट है, बताया जा रहा है 19 अरब यूरो अपनी आर्मी की तादाद में लगाएगा पोलैंड।
जी हाँ, आर्मी की तादाद भी बढ़ाएगा, आर्मी का खेमा भी बढ़ाएगा। रूस के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये पोलैंड ने अपना रक्षा बजट बनाया है।